बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तानियों, कैदी नंबर 804 कायद इमरान खान ने पैगाम भेजा है और इस बार आखिरी कॉल है। पूरे कौम ने इस्लामाबाद पहुंचना है डी चौक पर, और आखिरी कॉल का मतलब कि ना इसके बाद कोई एहतजाज होना है, ना इसके बाद कोई बात होनी है। सब किश्तियां जला के पहुंचे, और जब तक वापसी नहीं होगी, जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, जब तक एहतजाज जारी रहेगा, जब तक सुनवाई नहीं होती। और मुतालबात क्या है हमारे? 26वीं आईनी तरमीम को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन रीस्टोर होगा हकीकी मायनों में। हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, जो अवाम के वोट पर डाका डाला और जाली नुमाइंदों को लाकर मुसलत कर दिया, जाली हुकूमत बनाई, उसकी वापसी की जाए। और सबसे अहम, हमारे सियासी वर्कर्स जिनको नाहक कैद किया गया, बेबुनियाद झूठे मुकदमात बनाए गए, इन सबको रिहा किया जाए। जब तक इन तीन नुकात पर बातचीत नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुतालबात माने नहीं जाते, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। चाहे इसके लिए गिरफ्तारी देनी पड़े, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, हम सब पर लाजिम है कि अब हम सब खड़े हो जाएं। ये घर पर बैठकर अपनी कंफर्ट जोन में तज्जिये करना, तनकीद करना, शिकवे शिकायत, किसी से नहीं बनती तो उस पर बात करना, कुछ नहीं समझ आता तो उस पर बोलना, अब हरकत का वक्त है, अब निकलने का वक्त है, अब पसीना बहाने का वक्त है। तो हम सब ने अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, अपने मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। बहुत हो गया इस निज़ाम में जुल्म व सितम, बहुत हो गई हकूक की पामाली। अब हम सब पर फर्ज है कि इस जद्दोजहद में हमने शिरकत करनी होगी, खून पसीना बहाना होगा इसमें, और किसी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं करना होगा। पूरे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद पहुंचना है। कराची या सिंध को लेके इस वक्त प्लान तरतीब दिया जा रहा है, जो पार्टी का फैसला होगा हम उस मुताबिक अवाम को मोबिलाइज करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इमरान खान ने 24 नवंबर की कॉल दे दी है, सब ने वहां पहुंचना है, हर किस्म की रुकावटें अबूर करते हुए वहां पहुंचना है इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों, अगर हम लाखों की तादाद में इज्तिमा कर गए तो हर किस्म के मुतालबात की सुनवाई होगी। लेकिन आप लोग जो घर पे बैठते, ये ना काफी है किसी तहरीक को चलाने के लिए। घर पर नहीं बैठना इस वक्त, इस वक्त हरकत का वक्त है, निकलने का वक्त है। और इस अजीम तहरीक में, क्योंकि ये तारीख में लिखी जाएगी, इसमें अपना हिस्सा डालने का वक्त है। मैं और आप वो अबाबील जैसा हिस्सा डाल के इंशाल्लाह बड़े बड़े हाथियों को शिकस्त देंगे। आप अपने से सवाल करें कि मेरा और आपका क्या फ़र्ज है, मेरा और आपका क्या हिस्सा है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें कि 24 नवंबर को तारीख में ये दिन, ये वक्त लिखा जाएगा और इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। शुक्रिया।